दरोगा वाला का रुख करते हैं, जहां पर बाबा गांधी शाह के उर्स पर कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया है। पाकिस्तान रेलवे और पंजाब पुलिस की टीमों में कांटे का मुकाबला जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। एके मदनी, आगाह कीजिएगा, शायकीन किस कदर महजूज हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब का रवायती खेल जो कि कबड्डी शायद दम तोड़ता जा रहा है, और यही वजह है कि जब भी इस मैच का कहीं भी लाहौर के किसी भी इलाके में अगर इसका अहतमाम किया जाए तो शायकीन की एक बड़ी तादाद जो है अपने घरों से निकलती है और इस कबड्डी मैच को देखने आती है। और यही वजह है कि आज बाबा गांधी शाह गोल्ड कप का जो मैच का अहतमाम किया गया कबड्डी का, इसमें पंजाब पुलिस और पाकिस्तान रेलवे की टीमों के माबेन जो है सख्त मुकाबला जारी है। दोनों तरफ पहलवान जो हैं वो कबड्डी डाल रहे हैं, और कबड्डी डालने के बाद जो है अपनी टीम की कामयाबी के लिए जो है वो स्कोर करने की कोशिश करते हैं। और इस मौका पर जो अच्छा खेल पेश करता है, जो अच्छी कबड्डी डालता है, उसे शायकीन की जानिब से भरपूर जो है तालियों के साथ और ढोल के साथ जो है वो उसे दाद दी जाती है, और इसके अलावा नकद इनाम दिए जाते हैं। और दोनों टीमों के माबेन जो है सख्त मुकाबला जारी है, और पंजाब पुलिस की टीम जो है वो इस वक्त 21 पॉइंट के साथ पीछे, जबकि पाकिस्तान रेलवे की टीम जो है वो 23 पॉइंट के साथ आगे है। और लगता है कि जैसे पाकिस्तान रेलवे की टीम जो है वो इस मैच में कामयाबी हासिल कर, क्योंकि 25 पॉइंट्स का ये मैच है, जो टीम पहले 25 पॉइंट स्कोर कर लेगी वो फातह करार दी जाएगी। जी शुक्रिया आपका एक ही मदनी।